प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली से किया केजरीवाल पलवार, बोले देश की राजधानी को अराजक लोगों के हाथ नहीं सौंपने देंगे। यूपी पुलिस ने किया 108 पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार, प्रदेश के कई सूबों में तलाश अभी भी जारी। कोरोना वायरस का कहर बरकरार, अभी तक 361 लोगों की मौत, भारत में 3 मामलों की पुष्टि हुई। भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ा झटका, चोट के कारण ओपनर रोहित शर्मा हुए न्यूजीलैंड दौरे से बाहर। दिल्ली में चुनाव प्रचार चरम सीमा पर है, चुनाव में बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। अमित शाह और नड्डा के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दिल्ली के कड़कड़गुम्मा से आज हुंकार लगा रहे थे। दिल्ली चुनाव में अपनी पहली रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाहीनबाग के धरने को गहरी साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि आज शाहीनबाग में सड़क रोकी गई है, कल कोई और सड़क जाम की जाएगी। सिलमपुर हो, जामिया हो या फिर शाहीनबाग, बीते कई दिनों से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर प्रदर्शन हुए। क्या ये प्रदर्शन सिर्फ एक संयोग है? जी नहीं, ये संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है। इसके पीछे राजनीति का एक ऐसा डिजाइन है जो राष्ट्र के सौहार्द को खंडित करने के इरादे रखता है। ये सिर्फ एक कानून का विरोध होता तो सरकार के तमाम आश्वासनों के बाद ये समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस राजनीति का खेल खेल रहे हैं। पीएम मोदी ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल का नाम लिए बगैर कहा कि वे देश की राजधानी को अराजक लोगों के हाथ में जाने नहीं देंगे। यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि पूर्वांचल से 500 रुपये का टिकट लेकर बिहारी आता है और लाखों का इलाज कराकर चला जाता है। पूर्वांचल के लोगों के प्रति, बिहार के लोगों के प्रति यही इनकी सोच है। जाहिर है शाहीन बाग पर मोदी के इस हमले से दिल्ली का चुनावी माहौल और गर्म हो गया है और सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण ज्यादा तेज होने की उम्मीद है। दीपक शर्मा, INS TV के लिए। दिल्ली के शाहीन बाग और जामिया में अभी हाल ही में चली गोली, ये कोई छोटी घटनाएं नहीं है, मगर हमारे नेता इस मामले को लेकर कितने गंभीर हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। एक तरफ जामिया और शाहीनबाग में हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, अचानक से एक शख्स भीड़ में घुस आता है फायरिंग करते हुए, तो वहीं दूसरी ओर हमारे नेता इन सब घटनाओं पर गंभीर होने के बजाय एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में लगे हुए हैं। इन सब घटनाओं पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का क्या कहना है, ये सुनते हैं। केजरीवाल, दिल्ली की जनता जान चुकी है कि आप झूठों के सरताज हो और आप मूल अराजकवादी हो, आतंकवादियों से सहानुभूति रखते हो और इसलिए शाहीनबाग को भी समर्थन करते हैं। वहां जो नारे लग रहे हैं उन नारों का समर्थन कर रहे हैं, JNU के नारों का समर्थन कर रहे हैं और ऐसे सारे अराजकवादी तत्वों का समर्थन कर रहे हैं, तो आप आतंकवादी ही हो और यही आपकी पहचान है। दिल्ली आपको आप समझ चुकी है। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य क्या बोलते हैं, आप ये भी सुनिए। नौटंकी रोज करवाती है आम आदमी पार्टी, इसके अलावा कुछ नहीं। फायरिंग हुई, कोई घायल नहीं हुआ, कोई मरा नहीं, इस तरह की बातें जो करते हैं मुझे नहीं लगता है इस तरह घटना होनी नहीं चाहिए। अगर कोई घटना हुई तो पकड़े जा रहे हैं लोग और इस प्रकार के जो विषय आते हैं वो राजनीतिक उद्देश्य से आम आदमी पार्टी और उसके ही लोग करवाते हैं। बहरहाल इन घटनाओं पर विचार करने के बजाय राजनीतिक बयानबाजी और एक दूसरे पर हमलावर हैं हमारे नेता, तो फिर ये सोचना किसका काम है, इन घटनाओं को होने से रोका कैसे जाए। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए हंगामे में अब PFI का हाथ सामने आया है।
और इस खुलासे के बाद यूपी पुलिस ने पीएफआई के 108 लोगों को गिरफ्तार किया है। आइए देखें ये रिपोर्ट। सीएए के विरोध में हिंदुस्तान में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफए ने जो नंगा नाच किया उसे लेकर देश की राजधानी दिल्ली पुलिस ने आंखें बंद कर ली हैं। दिल्ली पुलिस मशरूफ है शाहीन बाग की सियासत में। दिल्ली पुलिस को चिंता है कि डेढ़ महीने से शाहीन बाग इलाके में रास्ता घेरे बैठे कथित प्रदर्शनकारियों को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, भले ही बाकी बची बेकसूर बेबस लाखों जनता क्यों ना आने जाने के लिए कई किलोमीटर लंबे जाम में करीब दो महीने से जूझ रही हो, क्या फर्क पड़ता है। यूपी पुलिस ने दिल्ली पुलिस के एकदम उलट रुख अपनाया हुआ है। सोमवार को यूपी की कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक हरीश चंद्र अवस्थी ने एक साथ 100 से ज्यादा पीएफआई कार्यकर्ता पदाधिकारियों की गिरफ्तारी की घोषणा कर डाली। करीब डेढ़ महीने से चल रहे सीएए विरोध में हुए दंगा फसाद में इतनी बड़ी संख्या में अब तक एक साथ पीएफआई के कारिंदों को किसी भी राज्य की पुलिस ने नहीं पकड़ा है। उल्लेखनीय है कि पीएफआई कारिंदों की करतूतों का शिकार भी सबसे ज्यादा यूपी और दिल्ली ही हुए थे। पुलिस महानिदेशक यूपी ने मीडिया को बताया, इन 100 से ज्यादा गिरफ्तार होने वाले पीएफआई गुर्गों में सबसे ज्यादा संख्या 21 मेरठ में रही, जबकि पीएफआई के 20 गुंडों को गिरफ्तार करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा क्षेत्र यानी वाराणसी पुलिस दूसरे स्थान पर रही। उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक ने कहा कि यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार पीएफआई के इन गुंडों से प्रवर्तन निदेशालय भी कानूनी तरीके से निपटने में जुटा है। संजीव कुमार सिंह चौहान, आईएनएस टीवी, दिल्ली। कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। चीन से शुरू हुआ यह वायरस अब पूरी दुनिया में फैल चुका है और इस वायरस ने भारत में भी दस्तक दे दी है। भारत के केरल राज्य में इसके 3 मामलों की पुष्टि हुई है। केरल में कोरोना वायरस के तीसरे मामले की पुष्टि हो गई है। यह छात्र वुहान से लौटा था। कोरोना वायरस से प्रभावित वुहान शहर से 323 भारतीयों और मालदीव के 7 नागरिकों को भारत लाया जा चुका है। इन सभी लोगों को अलग करके रखा गया है और इनकी जांच की जा रही है कि इनमें कोरोना वायरस के लक्षण हैं या नहीं। कोरोना से चीन में अब तक 361 लोगों की मौत हो चुकी है। WHO ने कोरोना को लेकर इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा भी कर दी है। चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने 57 और लोगों की मौत होने की पुष्टि की है। साथ ही चीन में कोरोना के कंफर्म केस की संख्या 17,205 तक पहुंच गई है। इनमें से 2,103 नए केसेस हैं। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की कमान संभाले हुए सांसद मनोज तिवारी ने इस बार केजरीवाल पर पूर्वांचलियों को लेकर क्या निशाना साधा है, आइए देखते हैं। अरविंद केजरीवाल वो अपमान करने में लगे हैं। उनके इस लाइन को कि बिहार से 500 रुपए का टिकट लेके आ जाते हो, इसका मतलब कोई बाहर से आकर के दिल्ली में इलाज करता है तो आपको दर्द हो रहा है। आपके कहने का अर्थ जो भी था, जो भी है, उसको हम तो समझ के हमारा सिसकना, हमारा दर्द कौन समझे। अभी हम इसी में थे, लेकिन कल अमित शाह जी के मुंह से इस बात को सुनना हम सब के लिए एक राहत है। आज सवाल उठता है कि कोई उत्तरांचल से आके यहाँ पे इलाज कराता है तो बोझ बन जाता है अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली का, कोई हिमाचल से आता है तो बोझ बन जाता है। तो आज अमित शाह जी के इस बयान के बाद और नीतीश कुमार जी के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो बिहार से आने वाले लोग हो, उत्तर प्रदेश से आने वाले लोग हो, उत्तरांचल से आने वाले लोग हो, हिमाचल से आने वाले लोग हो, छत्तीसगढ़ से, बंगाल से, उड़ीसा से आने वाले लोग हैं, हमने ये निर्णय किया है कि बीजेपी के सरकार में आने के बाद जो भी यहां इलाज के लिए आता है आयुष्मान योजना के तहत, हम उसको गौरव से उसको इलाज देंगे और इस नफरत की राजनीति का अंत करेंगे। ये हम दिल्ली की जनता को बताना चाहते हैं। सीएए के खिलाफ जहां विपक्ष इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर जीएस रेड्डी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये बता दीजिए, उसके बाद बातचीत करना क्या करना है सरकार सोचे। किसके लिए कर रहे हैं आप? आपके कोई तकलीफ है, आपके परिवारों की तकलीफ है,
आपके रिलीजियस को तकलीफ है, आपका देश वालों को तकलीफ है, सारी भारत में 130 करोड़ जनता में एक व्यक्ति को भी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कोई तकलीफ नहीं होगा। क्यों फिर किसके लिए तकलीफ धरना कर रहे हैं आप 50 दिन से, मुझे बताइए, मुझे समझाइए, उसके बाद मैं सोचूंगा क्या करना है। वहाँ गोलीबारी घटना हो रही है, अपोजिशन ये कह रहा है कि जब केंद्रीय मंत्री ही कहेंगे कि गोली मारो तो ऐसी घटनाएं तो होंगी, आप लोगों पे ब्लेम दे रहे हैं। बिल्कुल गलत है, गोलीमारी करना भी गलत है, बंदूक पकड़ के ऐसे जाना भी गलत है। भारत सरकार ऐसे विषय पर कभी किसको भी माफ नहीं करेगी। और कैसा रहा आज का बाजार, सीधे चलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भारतीय बाजारों के बारे में बात करने से पहले आज बात करेंगे चाइनीज शेयर मार्केट की। 2015 के बाद शंघाई कंपोजिट इंडेक्स का याद सबसे बुरा दिन था। शंघाई कंपोजिट इंडेक्स करीब 8% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था। इसका कारण कोरोना वायरस के वजह से अब तक करीब 350 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। भारत में भी इसके करीब 3 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। भारतीय बाजार आज कुछ रिकवरी के साथ बंद हुए। बजट के दिन सेंसेक्स में करीब 1000 पॉइंट्स की कमी आई थी, मगर आज 130 पॉइंट ऊपर बंद हुए। फॉर आईएनएस रवि दत्त। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे और टेस्ट सीरीज के पहले भारत को एक बड़ा झटका लगा है। भारत के ओपनर रोहित शर्मा इंजरी की वजह से इस समय टीम से बाहर हो गए हैं। बेहतरीन फॉर्म में चल रही टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है। टीम के इनफॉर्म बल्लेबाज रोहित शर्मा पिंडगी में चोट के कारण वनडे सीरीज से बाहर हो गए। अब सवाल यह है कि रोहित की गैर मौजूदगी में सलामी बल्लेबाजी की जिम्मेदारी किसके सिर आती है, साथ ही टेस्ट टीम में उनकी जगह कौन भरता है। उनके जाने के बाद से लोकेश राहुल के लिए टेस्ट टीम के दरवाजे एक बार फिर खुलते दिख रहे हैं। आईएनएस टीवी के लिए अभिषेक उपाध्याय। जाने माने एक्टर विकी कौशल के भाई सनी कौशल ने हाल ही में कबीर खान के साथ द फॉरगॉटन आर्मी में काम किया। आइए दिखाते हैं उनके साथ कुछ खास बातचीत। And Sunny, you recently, like Amazon Prime recently released a video with Vicky and you. Yes. Tell me, how has being having a big brother in this industry helped you navigate your way? Actually, it doesn't make much of a difference, you know, contrary to a belief that some people might have. It's just, I mean, he's there doing his job, I'm here doing my job, you know, it's as simple as that. So yeah, it doesn't help in any way, nor does it have any influence on the kind of work that I'm doing or the kind of people that are approaching me or who I am approaching. So yeah. और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।